नमस्ते सर। सर पिछले बार भी आपको काफ़ी सारे लीडिंग वोट से जीता गया था आप तो, और आज फिर से ज्वाइनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो आपको कैसे लगा है और उसका पर क्या बोलना चाहेगा सर? ये सब बीजेपी का कमाल है, क्योंकि आज सारा देश में एक जो मोदी का वेव है, देन मोदी सरकार ने जो काम किया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये तो जायज़ है कि इस प्रकार से जो पब्लिक का मूवमेंट होगा। और पिछले बार जो मैंने एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक काफ़ी मात्रा से हम जीता था, लेकिन पिछले बार ये गांव में लोंगनाक्षे गांव में 3-4 वोट से हम थोड़ा कम हो गया था, हमारा जो मेजॉरिटी से कम हो गया था। तो इस बार काफ़ी लोग आए हैं, लगभग 50 वोट्स का अभी एडिशन हुआ है, अभी तक जो 50 वोट का एडिशन हुआ है। तो आने वाले दिन में हम देखेंगे जो हमको चाहते हैं, जो हमें बीजेपी को जो चाहने वाले शायद और भी होंगे, और भी आएंगे, लेकिन आज तक मेरे ख्याल से अभी जो 16 जो हाउस होल्ड जो ज्वाइन हुआ है, जो बहुत अच्छे एक संकेत है, और ये शुरुआत है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये शुरुआत ही है, आगे आगे आप देखते जाइए, आने वाले दिन में हम देखेंगे कि और किस प्रकार से लोग आएंगे, तो उनको हम वेलकम करेंगे। और ये तो एक एक मेरे ख्याल से एक शोरूम है, गोदाम नहीं खुला है अभी। तो आज तक जो ज्वाइन नहीं हुआ है या लोनक्से में से, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं बोल चुका हूँ, मैं हम जो है, हमारा जो बीजेपी पार्टी का जो द्वार हमेशा खुला है। सचमुच में दिल से अगर चाहते हैं, दिल से अगर बीजेपी को प्यार करते हैं, दिल से अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा जो देश में, राज्य में और अपना इलाका में सही मायने में अगर सही काम हो, तो आप लोग ज़रूर बीजेपी पार्टी को आप लोग साथ दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश और हमारा राज्य को आगे लेके जाने का ये हमारा दायित्व होता है, और हर नागरिक का ये ड्यूटी बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारा समाज को सही दिशा और दशा की ओर ले चले। सर आपने स्पीच करते वक्त जो कॉलेज और आईटीआई को लेकर जिक्र किया, कब तक शुरू हो सकता है सर, कब तक इनॉग्रेट हो सकता है? नहीं, जैसे मैंने जब मेरे स्पीच में मैंने बोला कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ये कोई हमारा जो बाजारी सामान तो है नहीं कि पैसा दे दो और आप माल ले लो। इसका समय होता है, एक निर्धारित समय एक होता है, कंस्ट्रक्शन का एक समय होता है, गवर्नमेंट का अलग अलग प्रोसेसेस होता है। एक चीज़ लेकिन आप निश्चिंत ले लीजिए कि कानूबारी में हमारा बीजेपी सरकार ने कॉलेज दिया है, कानूबारी में हमें बीजेपी सरकार ने हमें आईटीआई दिया है। और दूसरी बात यह है कि कानूबारी में अभी उस आईटीआई को चालू करने के लिए हाल ही में हमारा जो कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि उसका जो फैकल्टी मेंबर्स को रिक्रूटमेंट करने के लिए कैबिनेट ने ऑलरेडी पास कर चुका है। तो हम आशा करते हैं कि इसका जो प्रोसेस अभी काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और जल्द ही हम केवल कानूबारी का ही नहीं बल्कि लुंगला और पांगिन तीन जगह का जो आईटीआई से इसका उद्घाटन हो जाएगा। सर रिसेंटली आपने जो मुकलिंग रोड का बारे में जैसे बताया, और साथ में आपने काफ़ी काम करके दिखाया है सर, तो और साथ में आज ये जानना चाहूँगा कि एलबी रोड जो कि बिमलापुर टू लोंगडिंग और कानूबारी टू रिम्पोंग, वहाँ का बारे में क्या कहना है, क्योंकि वहाँ का रोड जो कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है सर। डेफिनेटली कुछ दिन के लिए हमें अंधकार में रहने का बात ही प्रकाश को नज़र में आएगा, तो इसी प्रकार से अभी हमारा सरकार जो काफ़ी मुशक्कत कर रहा है इसके लिए। और लोंगडिंग बिमलापुर रोड को लेकर के शायद आपको पता होगा कि सीआरएफ में हमारा 8 किलोमीटर जो कामकुरूसा से रंगलुआ तक हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, और अभी हमारा सरकार की तरफ से कोशिश है कि लोंगडिंग से ये तवाई तक हमारा 5.5 विथ का PMGSY में इसका प्रपोजल चला गया है, और इसको कन्वेंशनल रूप में इसका कंस्ट्रक्शन होगा, और इसका जितना भी DPRs वगैरह है ये सब तैयार हो गया है, उसको दिल्ली भेज दिया गया है, और हम आशा कर रहे हैं कि इसका जल्द ही इसका सेंक्शन हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ RD से। और दूसरा हो गया आपका जो लोंगहुआ और रिम्पोंग का जो रोड है, लोंगहुआ और रिम्पोंग का भी वो PMGSY में हमने इसको प्रपोजल दिया था, जिसको अभी टेक्निकल जो भी टेक्निकली इसका वेरीफाई हो गया है, इसको पास कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो मोपाखाट से संसाथम का 2-way कंस्ट्रक्शन हो गया, और संसाथम से आपको पता होगा कि सोनू तक आपका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू है, और अभी हम रिम्पोंग से अभी लोंगहुआ लेके आने के लिए इसका जो प्रपोजल है उसको हमने दे दिया, और इसका भी एलबी रोड और लोंगहुआ रिम्पोंग रास्ता जो है दोनों का एक ही साथ में इसका प्रोसेस हो रहा है। सर आज जैसे लोंगनाक्षे में ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा,
तो नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा ब्लॉक कौन सा गांव पे रखने वाला है? ये अभी हम गुप्त रखे हैं, ये गुप्त रखे हैं और आने वाले दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ में कौन कितना कैसे क्या करने वाले हैं। तो ये पार्टी लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं एक केवल विधायक हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारा जो पार्टी का जो हमारा मंडल है, मंडल के जो हमारा जो प्रेसिडेंट है और मंडल के जितना भी कमिटीज़ है, मेंबर्स है, ये लोग ही डिसीजन लेंगे। और जैसे ही उन लोग प्रोग्राम तय करेंगे तब जा कर के ही हम उजागर कर पाएंगे कि कौन सा गांव में कितने लोग हमारे बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर आज कितने घर के लोग यहाँ न्यू ज्वाइन हुए हैं? आज 16 हाउसेस फ्रॉम लोंगनाक से ज्वाइन बीजेपी टुडे। सर आप लोग का पार्टी के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कि बढ़ते जा रहा है। yes. तो आप उस खुशी में आप क्या मैसेज रखना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बहुत देखा गया है कि दिन दिन में बहुत सारा ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन कानूबारी का अगर बोले तो आज पहला दिन है। हमने प्रोग्राम बना के इसको रुका के रखा था, कुछ हमारा टेक्निकल कुछ ये रीजन्स के लिए पार्टी और विधायक हम लोग बातचीत करके इसको थोड़ा समय के लिए रुका के रखा था। तो आज ये स्टार्टिंग दिन है। ये महाजन संपर्क अभियान वो जो मोदी गवर्नमेंट फॉर 9 ईयर्स उसको लेते हुए हमने ये बीजेपी का प्रोग्राम आज शुरू किया है कानूबारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोंगनाक से शुरू किया है। आज 16 हाउसेस दे हैव जॉइन बीजेपी। इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस एंड मोर ओवर ऑलरेडी बीजेपी इज लास्ट ईयर इन 19 इलेक्शन बीजेपी हैज़ led by almost 4,000 votes. We are almost in a absolute majority here in Kanibari Assembly Constituency. We block the BJP leader Dilwan Saab bahut phal kaam korise hetu karone ami block ne 16 house nika humase aipra pichle bar aap kiska party mein tha? Congress na. To aaj totally kitna house? 16 houses. माइ पों चंपू ธรรมบาลิกาเลยอะไรแม่เฮียปงเลยกับไผ่ทั้งโตเลยแกแม่อมิไทยโดปนิงเลยแกติงขวาข้ามมาปุ๊บตรอกปุ๊บแกแม่มกโอปุ๊บทั้งโตละฮารัมสินันจุไตทั้งคุณงงตรงนักเชมาเต็มตรอกปุ๊บทีหันปักนะมกปุ๊บทั้งโตละดีปุ๊บตาวาริงกันปักมาโปรไอโดปุ๊บเบลจันทั้งปุ๊บมาริงเนี่ยใช้ปักดีมั้งใช้เซเลคชั่นเพียร์มาหุยหุยใช้เซเลคชั่นมาหุยเนี่ย ก็ตาวารันปักตุกปุ๋ยโดกูเฮปะเทกุเลยังจังบ่าอะเรเมอาวาเตนกูเลโดกมาพาสอิเล็กชันลัดปัดดูเลกูไอทีมากูจาเมจังปายาไอทีเอานัชลโปรเดสซัมฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีคาวเซิลมากูจาเมตะกงเอโยกูเกมคอนสติทูนซีมาจากาจากามาเกเมโมบายทาวาร์บ่ให้กาไว้เทนโตเลบางนูจากามากูเซ็งชั่นโปรเดกันปักมาราเลไฮโดกูเฮอะเรเมจูยาปงเลกะปังอาวานกอมิเลตัมไดเจอบ่ซะบ่เลไม่เฮอะเรเมอาวานกอมิคิงโคลิดาร์บ่อะเรเม วันนี้เอ็นโตเลยเอ็นโตเลยเฮ้ยป้าโบสุทุยเลยชุบเลยปองเลยกับปังเลยโอ้ยปองกับปังตรงละตาหน้าตาตัวกูตาตาทันตัวหูงาเลยโอ้ยหูงอตามาอัพพัดละเป้าให้มาเฮียโบสุเฮียกูเรสปอนซิบิลิตี้มึงจังกูเอ้ยวันนี้ให้พังกับกูดีที่จังกูปองเลยกับปังกับถึงคนดีได้ระดับดีจังเฮียปองเลยกับปังเจ้ามาให้บักปักดิสิกนั่นเลยเฮียโบสุเฮียมาวันกับเราเฮ้ยเอ็นโตเลยถ้าดูเกมไม่เกมโพสิตัวซีมา ถ้าส่งนี้จุเกมไม่สกุลหัดปักประเทศก็วันผู้อย่างเช่นแบบอันนี้เกมไม่วันโจทย์ถึงคนที่เขามาโง่ไปเกมไม่วันโจทย์ได้เลยคือกูติ้งกูฮับมาเฮียเพสิลิกี้ให้ก็ติ้งมาใหญ่เฮียเลี้ยวไม่ยำยาดีลำโตสองกัดพ่อมันลำโตไอ้มองโง่ละเลยเฮียมาตั้มปันตั้มตัวตะพาเตะกู มันนั่งกินไม่ละตัวข้างในบีนิฟิชชิสบูจักแก๊กเลยจะฟาดหกเลยรีพอร์ตมามันให้ไอ้ก็เลยจุรารีเลยเกมติ้งหัวข้าตะหัวเมย์เราไปดูรารีเลยเตะเลย
ये राइले केम सार्ड उन्ना यंग मुंगमई पका या काला फापु अंतोले था अकाला है डबले ले ले कोमोंगोंग टाइपु अथा माहे कान पक मचु एफए संगल मो उंकाले एफए तमला काला है डबले ले ले वेनो ताम चलेचु मोंगोंग बटाइपु अनि इखामा न्यू जॉइनिंग कोरियन तोले 16 नमखो हाइन तोले ताइले खोमबो मचु अथा अनो ताम चले केमंग हमोय टाइपु युमोय मचु अथा खनक हाइन गदु राही ले टाइपु इबु पांग नुसा दवे ए हुहायो मेहेयो चिंचा को असुनरु कंदुक मोंग थांगबा बोर्ड लेवल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वन ऑफ द एक्टिव वर्कर बुटेबु एबु पांग नुसा पे कंदंग मोंग थांग बन हेयो अनतोले एमएलए साहब फाइव नरे ल फान दो ची हनम तो चू हुंग मे के ओ साहब अनि मोकलु मोपु रंगबन मोकल हाय दवा ये मो तो को मे तो को न मे चोंग फाबु एबे तमना सा मखाला तोले यो बे ती हुवा खामा या मि लोंग खोमा खोमा ता खाला तु जा मो थोमा ला ला ले मा काय बिदिन मचु नंग तो नंग सा पंग नन दोले नंग मक पंग नन दोले नंग सोन जक नन गन दोले नंग सन मयो हंग पंग नन दोले आसा